क्या कर रहे हो आभास? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ठीक से रियाज करो। पिताजी, मुझे क्लासिकल सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बॉलीवुड सिंगिंग में इंटरेस्ट है। मैं आपको गाना गा के सुना दूँ। दीदी तेरा देवर दीवाना। चुप कर दीवाने, बकवास गाता है। क्लासिकल सिंगिंग में इज्जत है, समझे? चल जा, कल सुबह 5 बजे हमें रियाज करना है। हे भगवान, इसे कब अकल आएगी? बढ़िया है क्लासिकल सिंगिंग करने, ये लड़कियों का काम नहीं है। तू अंदर जाकर माँ का हाथ बटा रसोई में, वही तेरे काम आएगा। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? माँ, पिताजी मुझे रियाज नहीं कराते, वो सिर्फ आवाज को प्यार करते, मुझे नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुमसे भी प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन आवाज जितना नहीं, क्योंकि हम दोनों में फर्क है ना, वो बेटा है और मैं बेटी हूँ ना। बेटी हुई तो क्या हुआ? अरे तू तो मेरी गुड़िया है ना, गुड़िया। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते। गायत्री बहुत अच्छा गाती है, मैं बचपन से उसको सुनती आ रही हूँ। आप जब आभास को रियाज करवाते हो ना, तो वो चुपके से सुनती है और खुद भी रियाज करती है। आप एक बार उसका गाना सुन तो लीजिए, आपको उसकी गायकी जरूर पसंद आएगी। गायत्री को बोलो घर गृहस्थी के काम में ध्यान दे, मेरा नाम रोशन करने के लिए मेरा बेटा काफी है। आप कितने गलत हो, एक बेटी को आप कम मत समझिए। वक्त आने पर बेटी ऐसा काम कर जाती है जो एक बेटा नहीं कर सकता। क्यों हमेशा बेटियों को नफरत से देखा जाता है? अपनी गायत्री पर तो माँ सरस्वती का हाथ है,
देखना, एक दिन आपको अपनी बेटी पर गर्व होगा। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तुम मुझे मत सिखाओ। कल मेरे गुरु रवि प्रसाद अपने घर आने वाले हैं। ध्यान रहे कि उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो, ठीक है? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी। मैं जानती हूँ, बचपन से आज तक पिताजी ने मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं की। उनका ध्यान आभास पर ज्यादा रहता था। माँ, मुझे क्लासिकल सिंगर बनना है पिताजी की तरह, लेकिन पिताजी मेरा साथ नहीं दे रहे। बनोगी बेटा, तुम भी क्लासिकल सिंगर बनोगी। देखो, ईश्वर के घर तीर जरूर है पर अंधेर नहीं। प्रणाम गुरुजी। धन्य है भाग्य मेरे जो आप मेरे घर आए। हेमराज, तुम तो हमारे जूने शिष्य में से हैं। मतलब कैसे नहीं आते? धन्यवाद गुरुजी, आइए ना, बैठिए ना। बच्चों से तो मिलाओ। जी गुरुजी। अरे आवास। जी पिताजी। आवास, ये मेरे गुरुजी है। गुरुजी, मेरा बेटा आवास। हाय गुरुजी। अरे हाय के बच्चे, पैर छू, नमस्ते कर, आशीर्वाद ले। नमस्ते गुरुजी। जीते रहो, खुश रहो, बैठो बेटा। आवास बेटा, आजकल क्या कर रहे हो? कुछ पिताजी से गाना बजाना सीखा है? एक्चुअली क्या है ना गुरुजी, मेरे को क्लासिकल सॉन्ग बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। मुझे बॉलीवुड सिंगिंग में इंटरेस्ट है। मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है बेटा, जो सुनाना है सुना दो। सावन में लग गई आग, दिल मेरा हाय, ओ सुन हसीना पागल दीवानी, सुन हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी रात, दिल मेरा हाय। सावन में, सावन में, सावन में लग गई आग, दिल मेरा हाय। बस तो बेटा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद। ओके गुरुजी, देन चलता हूँ फिर मैं। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा काम याद आ गया अर्जेंट, सो बाय बाय, सी यू। ये जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या करोगे हेमराज, आज की जनरेशन को क्लासिक गाने बहुत बोरिंग लगते हैं, वो समझ में नहीं आते। उनकी चॉइस है, करने दो, क्या कर सकते हैं। भाई हेमराज, मैं भी अपने म्यूजिकल इंस्टीट्यूट के लिए एक फीमेल क्लासिकल टीचर ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। रहो बेटा। हेमराज, ये तुम्हारी बेटी गायत्री है ना? बहुत बड़ी हो गई है। जी गुरुजी। बैठो बेटा, बैठो। बेटा तुम क्या करती हो? गुरुजी, मैंने अभी बीए के एग्जाम दिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने पिता की तरह संगीत में इंटरेस्ट है? हाँ, उसे शौक है ना, बहुत अच्छा गाती है वो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, पर कहीं तुम्हें भी भाई की तरह बॉलीवुड सिंगिंग तो नहीं पसंद? नहीं गुरुजी, क्लासिकल संगीत मुझे बचपन से पसंद है। क्लासिकल संगीत तो मेरी आत्मा में बसता है। कितने अच्छे विचार हैं। बेटी कुछ फिर सुना दो। घबराओ मत बेटी, सुनाओ सुनाओ बेटा, कोई अच्छा सा गाना गाओ। अभी बोल दिया है तो कुछ सुना दो, गुरुजी ने भी कहा है।
शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। उसका साथ दो, चलो शुरू हो जाओ। जी गुरुजी। टीचर अपॉइंट हो रही हो, बाकी बातें मैं एवरा से कर लूंगा। डन।
चलो भाई हेमराज, हम तो आए थे तुमसे मिलने को, पर हमारा काम हो गया। पर जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा, बेटे पे ध्यान नहीं दो। पीतल को कितना भी रगड़ोगे वो सोना नहीं बनेगा। सोना तो तुम्हारी बेटी गायत्री है, इसे तराशो, एक दिन तुम्हारा नाम रोशन कर देगी। चलो फिर चलता हूँ। मैंने जो बात कही है उस पर गौर जरूर करना। चलो मैं चलता हूँ। गायत्री, कल से रोज सुबह 5 बजे मेरे साथ रियाज। जी पिताजी। खुश रहो।